मारीना संदेश राय। स्वागत है आपका हमारे इन संदेश में, मैं फात काजमी और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से है, जहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया है। आज सभी अस्पताल और मेडिकल हॉल को बंद किया गया है। बता चले आपको कि डॉक्टर के इस क्रिज से डॉक्टर को रक्षक ना कहकर भक्षक कहना ज्यादा बेहतर लगेगा। कारण यह है कि आज हमने जनपद मऊ का सर्वे किया, जिसमें अनाधिकृत अनऑफिशियल अनाउंसमेंट है, अनऑफिशियल घोषणा। हम आपको बताते हैं कि एक अनुमान के तहत लगभग 28 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें कुछ नवजात शिशु से लगाए, कुछ वृद्ध और कुछ एक्सीडेंटल केस था, जिसका तत्काल उपचार न होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। इस स्थिति में इसका जिम्मेदार किसे माना जाएगा? डॉक्टर को माना जाएगा या किसी और को माना जाएगा? ऐसे डॉक्टर जो रक्षक की जगह भक्षक बन करके हमारे देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, आज ऐसे डॉक्टरों ने अपनी यूनियन बना करके यूनियन के तहत कई लोगों की जान लिया कहा जा सकता है। इनको डॉक्टर को हत्यारा कहना ज्यादा दुरुस्त होगा, क्योंकि इनके कारण कई गई जाने गई हैं। खबर आ रही थी कि विश्व सूत्रों से यह भी पता चला कि बिहार राज्य में भी लगभग 48 मौत होने की सूचना अब तक हमें मिल चुकी है। आधिकारिक तौर पे जो इसकी सूचना मिलेगी हम आपको आगे समाचार में दिखाएंगे। हम आपको दिखाते हैं कि यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में यानी IMA में शामिल हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर कुछ मानवता है। मानवता के कारण उन्होंने अपने IMA को साथ देते हुए, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, मरीजों को प्राथमिकता देते हुए उनका उपचार किया, और उपचार कर उन्होंने जान बचाने का कार्य किया। ऐसे भी डॉक्टर मौजूद हैं। और सिर्फ ये हम आपको बताते चले कि शहर के जो बड़े डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर कुछ बड़े हॉस्पिटल का नाम है, आप उसमें विशेष करके बाहर से आए मरीज, जिनके यहाँ कम से कम डेली 400-500 मरीज देखे जाते हैं, ऐसे अस्पताल की भी स्थिति ये है कि अंदर मरीज भरे हुए, कोई बाहर से आ रहा है, कोई बलिया से आ रहा है, कोई आजमगढ़ से आ रहा है, कोई जौनपुर से आ रहा है, लेकिन उपचार न मिलने के कारण आदमी जा नहीं सकता। न जाने की वजह से उसको अपनी जानें भी गंवानी पड़ रही हैं। आइए वीडियो में हम आपको दिखाते हैं, आज हमने जनपद मऊ का सर्वे किया। जनपद मऊ के सर्वे में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोगों ने काला बैनर लगा करके अपना अस्पताल बंद रखा है, जो कि नहायत ही निंदनीय कार्य है। उनको शासन प्रशासन पर भरोसा नहीं है, भरोसा न होने की वजह से अपनी एक अलग उन्होंने भक्षक की पहचान बनाई। और आज आप देख सकते हैं कि IMA शाखा मऊ के द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल बंद हैं। डॉक्टरों के प्रति हो रही हिंसा के विरोध में तमाम अस्पतालों को बंद करके विरोध दिखाया जा रहा है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे। मंजू मैटरनिटी सेंटर के बाद आप देख सकते हैं त्वचा के डॉक्टर आई मधर साहब ने भी बैनर लगा के अपनी दुकान, अपना क्लिनिक बंद कर रखा है। आगे बढ़ते हुए IMA शाखा मऊ के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए लोबो अल्ट्रासाउंड खुला हुआ है, लेकिन अस्पताल बंद का बैनर यहां पर भी आप देख सकते हैं। साथ ही ये भी आप देख सकते हैं कि जहां कुछ निजी अस्पताल क्लिनिक बंद हैं, वहीं पर कुछ खुले हुए हैं, देख सकते हैं आप। जनपद में चल रही बड़े स्तर पर बंदी, इस समय डॉक्टर आर के लाल जी और डॉक्टर मीना श्रीवास्तव जी के आवास पर हमें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बैनर लगा हुआ है और बंदी दिखाई जा रही है। क्या IMA की बंदी का असर, डॉक्टर पीके गुप्ता की क्लिनिक भी इस समय बंद है, हर जगह बैनर लगा हुआ है, जबरदस्त विरोध चल रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं गुप्ता सर्जिकल अस्पताल, डॉक्टर पीएल गुप्ता जी के यहाँ भी अस्पताल में बंदी चल रही है। देशव्यापी हड़ताल में सभी लोग शामिल हैं। आप देख सकते हैं इस समय नरई बांध में डॉक्टर अम्बेश गुप्ता जी के यहाँ है, जहाँ पर इनके ऊपर IMA द्वारा की गई बंदी का कोई असर नहीं है, इनकी क्लिनिक खुली हुई है। देख सकते हैं आप कि शहर के माने जाने हॉस्पिटल राहुल हॉस्पिटल में, डॉक्टर एसएन राय के हॉस्पिटल पे भी बाहर बैनर लगा हुआ अस्पताल बंद का दो बैनर लगा करके यहाँ जबरदस्त तरीके से बंदी मनाई जा रही है, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं। डॉक्टर की ना मौजूदगी की वजह से अंदर तमाम मरीज परेशान है। अब देखना यह है कि ये डॉक्टर अपना डॉक्टर धर्म निभाते हैं या कि नेता लोगों की तरह ये भी कोई हड़ताल मनाते हैं। हड़ताल मना करके कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आगे फिर समाचार में हम आपको बताएंगे। अस्पताल बंद की देशव्यापी हड़ताल में हम आगे बढ़ते हुए हमारे विवान चाइल्ड केयर सादतपुरा में हम देख सकते हैं आप यहाँ पर खुला हुआ है, किसी प्रकार का कोई बंदी का बैनर नहीं लगा हुआ है। बगल में आशीर्वाद हॉस्पिटल भी खुला हुआ है, अमित मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, सभी यहाँ खुला है, यहाँ किसी तरह की कोई बंदी का प्रभाव नहीं है, देख सकते हैं आप। शहादतपुरा मोहल्ले में सिल्टेक्स रोड पर हैं, जहां अल्सपा हॉस्पिटल पे भी आप देख सकते हैं अस्पताल बंद का बैनर लगा कि यहां पे ही बंदी मनाई जा रही है। बढ़ते हुए हम समीर हॉस्पिटल डॉक्टर सरफराज अहमद साहब के हैं, जहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ कि अस्पताल बंद का बैनर लगा कि यहां पर भी बंदी मनाई जा रही है। IMA द्वारा देशव्यापी हड़ताल के दौरान हम पहुंचे हैं सुलेमान हॉस्पिटल पे, जहां पे देखा जा सकता है बैनर तो नहीं लगा है, लेकिन खबरें पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह हमारी खबरों का ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाएं।